लगातार खबरें। अर्जुनी मुर्गांव में तालाब में डूबकर हुई मौत। गोंदिया गत 4-5 महीने से मानसिक तनाव से ग्रस्त एक 52 वर्षीय अंधेड़ की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना 9 अक्टूबर के शाम 4 बजे से 6 बजे के दौरान अर्जुनी मुर्गांव तहसील के ग्राम गुंडरी तालाब पर घटित हुई है। सूत्रों के मुताबिक ग्राम निवासी 52 वर्षीय पंडरी रामा सरोते यह शौच के लिए जा रहा हूँ बताकर तालाब की ओर निकले, जहां उसने तालाब में छलांग लगा दी थी। मिली जानकारी के मुताबिक युवक मानसिक तनाव से ग्रस्त था और यह कदम उन्होंने उठाया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर लापता की लाश तालाब से मिली है। गोंदिया के सालेकसा तहसील के ग्राम रामाटोला के मानकृति तालाब में 11 अक्टूबर दोपहर 3 बजे एक व्यक्ति की लाश तैरती पाई गई है। घटना की जानकारी ग्रामवासियों ने पुलिस को दी है। जहां पाटिल उन्होंने सालेकसा थाने को यह मामला अवगत कराया है, जहां जांच के दौरान युवक की पहचान प्यारेलाल छन्नू धुर्वे 55 वर्ष रामाटोला के तौर पर की गई है। संदर्भ में बताया गया कि वह 9 अक्टूबर की सुबह 10 बजे से बिना किसी को कुछ बताए घर से निकल गए थे। अब यह मामला खुदकुशी है या कोई और मामला है, इसकी जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। गोंदिया में दिव्यांगों ने निकाली मतदाता जागृति रैली। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की भागीदारी जरूरी है। हर व्यक्ति को निर्वाचन में मतदान की अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए, ताकि शासन की बागडोर सही हाथों में पहुंचे, जिसे देश प्रदेश का विकास हो सके। उक्त आशय के उद्गार गोंदिया कलेक्टर डॉक्टर कादंबरी बलकवड़े ने दिव्यांग जागृति रैली कार्यक्रम में व्यक्त करते हुए दिव्यांग मतदाताओं को उनके वोटिंग के अधिकार का महत्व बताया। इसी दौरान रैली को हरी झंडी दिखाने से पहले कलेक्टर महोदया ने मतदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु उपस्थितियों को शपथ भी दिलाई। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। धन्यवाद।